लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरी मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बचाने के लिए जो कुछ भी कुर्बानी देना है हम देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली, आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरी मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकला, और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं, इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं। सब जगह ईमानदार भी है, ये सब बातों को समझता भी है, ये जनता के बीच जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है, तो जनता इसके चली जा रही है। घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं है। बीजेपी सरकार और मोदी जी, खास करके हमारे को कमजोर समझ रही है। अगर कोई व्यक्ति अहंकार से हमारे को कुचलने की कोशिश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का भी हमारे पास। सत्याग्रह के नाम पर महात्मा गांधी जी की समाधि पर जो कर रहे हैं उसमें सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं, अहंकार का दुराग्रह निर्लज्जता के साथ दिख रहा है। यह बात मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि जब उन्होंने गांधी जी की समाधि और शब्द दोनों का प्रयोग किया है तो यह गांधी जी के प्रति भी एक अवमानना और दुराग्रह दिखता है। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। दो बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुझको आगे कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है, शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े,
वो तो करने नहीं देंगे।